गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ज्योग्राफी 101। तो मेरे पीछे जो तुम देख रहे हो ये है नागालैंड का मैप, और इस समय मैं हूँ कोहिमा, जो कि नागालैंड का कैपिटल है, उससे 10 किलोमीटर पहले समवेयर हेयर यहाँ पे। एंड यहाँ से इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू गो ऑल द वे टू अ विलेज कॉल्ड लोंगवा, जो कि म्यांमार का बॉर्डर है। नाउ यू आस्क व्हाई, बिकॉज लोंगवा एक बहुत इंटरेस्टिंग विलेज है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली सुना है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं, वो बोथ म्यांमार एंड इंडिया की सिटीजनशिप रखते हैं। एक्चुअली इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, बट मेरे को नहीं पता है कैसे फंक्शन करता है। बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने ये भी सुनी है कि एक्चुअली इस विलेज के अंदर एक ऐसा आदमी है जो जस्ट बॉर्डर लाइन पर उसका घर है, एंड वो वहीं पर करता है, म्यांमार जाता है, इंडिया आता है, म्यांमार जाता है। तो ये आज के वीडियो में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये एक्चुअल में होता है या फिर बस एक मिथ है। और मेरी आज की जर्नी रहने वाली है ऑलमोस्ट 20 आवर्स की, जस्ट टू रीच लोंगवा। सो लेट टुडेज एडवेंचर बिगिन। अभी मैं अपने होमस्टे से निकल के रोड साइड एक टैक्सी का वेट कर ही रहा होता हूँ कि मेरे को अपने आप एक लिफ्ट मिल जाती है भाई, होटल लिफ्ट, और मैं फ्री में कोहिमा सिटी पहुंच जाता हूँ, जहां पर मैं अपनी बस बोर्ड करता हूँ। और एक लंबी ओवरनाइट जर्नी करने के बाद सुबह सुबह मैं पहुंच जाता हूं। सर सुबह के बजे हैं 5 और मैं पहुंच चुका हूं मौन। अभी यहां से मेरे यहां के 5 घंटे की और जर्नी है, मगर अभी क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे तो कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है, मेरे को 2 घंटा यहीं बैठ के वेट करना पड़ेगा। सुबह 7:30 से टैक्सीज का ऑपरेशन शुरू होगा। फिर देखते ही देखते मैं पहुंच जाता हूं उस जगह जहां पर मेरा गट कह रहा है कि भाई यहां का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही क्रेजी होने वाला है। क्या कह रहे हो कि बहुत ही बढ़िया होमस्टे है? हाँ दोस्तों, ये मैं लोंगवा पहुंच चुका हूं, और ये लोंगवा के अंदर मेरा होमस्टे है, मेरे को मिला मात्र 500 रुपीज़ में। बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत ही कोजी जगह। मगर अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी मैं कैमरा साइड रख के बाहर कुछ खाने के लिए जाता हूं, जहां पर भाई साहब कुछ इतना ज्यादा क्रेजी हो जाता है ना, रुको बताता हूँ। तो भाई सुनो कि हुआ क्या, यहाँ से बस मैं चढ़ के ज़रा ऊपर जाता हूँ, सामने एक दुकान होती है, तो मैं दुकान के अंदर चले जाता हूँ। और दुकान के अंदर जाके मैं बोलता हूँ कि दादा एक चाय और एक मैगी मिल जाएगा। चलो चलो दे दे। ओके। वो थोड़ी देर में मेरे को मैगी और चाय ले आते हैं। मैं मैगी खाते खाते ना उनसे ऐसे पूछ लेता हूँ कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली गाँव किस लिए फेमस है, बॉर्डर लाइन के लिए है ना, बॉर्डर के लिए। तो मैं पूछता हूँ कि दादा ये बॉर्डर लाइन किधर है, बर्मा कहाँ पे पड़ेगा? जिस पे सुनो वो क्या बोलते हैं, अभी जो आप देते हैं ना इस तरफ ही बर्मा है, वो इंडिया है। यहाँ से मैं अभी बर्मा में बैठा हूँ, यहाँ बर्मा है और इस तरफ इंडिया है, मतलब ये रोड बॉर्डर है। ओके मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, ये लिटरली मेरे साथ हुआ है। ये जो छोटा सा स्केच जैसा, मतलब मैंने उनसे बाद में री रिकॉर्ड करवा लिया जो ऐसे सोच रहा हूँ, बट कसम से मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं मैगी खा रहा हूँ और भैया बोल रहे हैं कि ये तो बर्मा में है। मैं फॉक, फिर मैं अपना कैमरा निकालता हूँ, कहता हूँ भैया जी एक बार दोबारा ये डायलॉग बोल देंगे, तो वो दोबारा बोल देते हैं। पर खैर मैं उस दुकान से निकलता हूँ। उस दुकान से निकलने के बाद, क्योंकि ये बॉर्डर वाला एरिया है तो यहाँ पे बहुत सारी आर्मी भी है, ऐसी एक आर्मी पर्सनल से बात हो रही होती है, तो पता है मेरे को क्या पता चलता है भाई, ये होता है लैक ऑफ रिसर्च करके आ जाओ ना। ये विलेज एक्चुअली है कोनियाक ट्राइब का। नागालैंड के अंदर 16 ट्राइब्स होते हैं, उसमें से एक ट्राइब है कोनियाक ट्राइब। और पता है किस लिए फेमस है ये ट्राइब? फेमस है हेड हंटिंग के लिए। हेड हंटिंग क्या होता है, जो तुम इमेजिन कर रहे हो वही, कि अपने एनिमी का गला काट के घर में रखते थे, प्राउड है कि भाई मारा, काटा, रख दिया, और फेस पे बदले में पूरे विलेज के सामने टैटू किया जाता है। वाओ मैं थोड़ा घबराता कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, पर इससे पहले ही वो मेरे को बता देते हैं कि अब मोर देन शायद 56 ईयर्स हो चुके हैं कि हेड हंटिंग बैन है। अब यहाँ प्रैक्टिस भी हेड हंटिंग की बहुत कम हो गई है, हार्डली ही कोई करता है, नहीं करता है। तो भाई अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया इस वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें हो गई कवर करने के लिए। 3 चीज़ें जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट हम जाएंगे पॉइंट 0 देखेंगे, मतलब जहाँ पे इंडिया खत्म होता है, म्यांमार शुरू होता है। दूसरा हेड हंटिंग देखेंगे, हेड हंटिंग जिन्होंने करी है उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और तीसरा फाइनल चीज जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे, वो मिथ, वो लेजेंड, क्या पर्सनालिटी वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, कौन यहां का अंग मतलब किंग, जिनका घर बेसिकली बीच से उनके बॉर्डर जाता है और वो बॉर्डर लाइन पे कुकिंग करता है, ये मैंने सुना था। अब टाइम आ गया, चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, आ जाओ। तो
तो भाई अभी मैं अपने होम स्टे से निकला ही था, थोड़ी सीढ़ियां चढ़ाई था कि मेरे को पले भाई यही रेस्टोरेंट वाले भाई फिर से मिल जाते हैं, इनसे फिर से कुछ बात बात होती है। और भाई ये बोलते हैं कि तुम अकेले क्यों घूमने आए हो, मैंने इन्हें बताया कि मैं अकेले आया हूँ, तो एक तो पहले लोग यहाँ बहुत हैरान हो जाते हैं कि अकेले कैसे आ गया, पता नहीं मेरे को बहुत हैरान होते हैं, तो वो भी हैरान हो गए, कह रहे नहीं तुम अकेले मत जाओ, तुम अकेले बोर हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भाई अपनी दुकान बंद कर देते हैं और मेरे को लेके चलते हैं 0 पॉइंट। मैंने ज़्यादा फ्री बॉर्डर कभी नहीं देखा भाई, क्योंकि मैं तुम्हें पता है लद्दाख और ऐसा पाकिस्तान वाली साइड गया हूँ, वहाँ तो किलोमीटर किलोमीटर पहले ही ऐसा फेंसिंग और बहुत हैवी सिक्योरिटी होती है, यहाँ कुछ नहीं। 0 पॉइंट पे मैं हूँ, पीछे इंडिया ओवर, यहाँ से म्यांमार शुरू। 0 पॉइंट देख के वापस आते हैं अगेन उनकी शॉप के पास, तो हमें यहाँ पर एक और भाई मिल जाते हैं खंपाए भाई, और उनसे दोस्ती यारी होने के बाद उन्होंने भी अपनी दुकान बंद कर दी, और अब हम तीन दोस्त तीन भाई चलते हैं, जाते हैं पिलर देखने के लिए, पिलर और वॉच टावर देखने के लिए। और भाई ट्रैकिंग थी यार कसम से, थोड़ा चलना वलना पड़ा, ज़्यादा चलना पड़ा, पर चल चुल के हम लोग फाइनली पिलर पे पहुँचते। हम तो ऐसे ऐसे रहते हैं। कैसा? एक एक पैर बर्मा में, एक पैर इंडिया में। दोस्तों ये अपना वो है स्टोन पिलर, और ये बोल रहा है कि ये जो लैंड है ये बर्मीज लैंड है, ये बर्मीज लैंड है जिस पे अभी हम लोग खड़े हैं सारे, और अभी हम इधर इंडिया में आ गए, बैक इन इंडिया, वे अभी भी बर्मा में है। यहाँ पर मेरे से पले भाई बोलते हैं कि पिलर देखो क्रॉस करके थोड़ा और आगे चलते हैं, पिलर इज बेसिकली बाउंड्री इंडिया म्यांमार, और हम म्यांमार में खड़े हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आर्मी पर्सनल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बस कैजुअली वॉक करके म्यांमार में खड़े ही हैं। और बोलते हैं यहाँ से 10 कदम पे और आओ एक वॉच टावर है, उसके बाद हम पहुँचते हैं इस कमाल्स की लोकेशन पे वॉच टावर पे, और यहाँ से क्या तगड़े व्यूज़ आते हैं, यहाँ से अब मेरे को इंडिया से डिस्टेंस पे दिख रहा है, मैं म्यांमार में खड़ा हूँ, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि भाई मेरे को कोई पकड़ ना ले। हाँ। आपका खेत है? ये बर्मा साइड का। बर्मा साइड है, दोनों साइड जा सकते हो? हाँ। वोट भी दोनों साइड जाके डालते हो? हाँ, दोनों साइड पे डाला आपने? दोनों साइड पे डाला। दोस्तों अभी मैं ऑफिशियली बर्मा में खड़ा हूँ, मेरे को नहीं पता मेरे को यहाँ खड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट हम लोग बहुत अच्छा व्यू देख रहे हैं। ये है लोंगवा विलेज, ये है बर्मा का लैंड, और भाई लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप है एक्चुअल में, क्योंकि दोनों साइड ये वोट को कास्ट करते हैं, इंडिया के इलेक्शंस में भी, बर्मा मतलब म्यांमार के इलेक्शंस में भी, अब तो नहीं होते वहाँ। तुम इमेजिन करके देखो, मैं नागालैंड मैं एकदम कोने में कहा दिल्ली से ऐसा लोंगवा के एकदम कोने में बैठा हूँ, एकदम एंड है ना बॉर्डर ये म्यांमार में, मतलब टू बी ऑनेस्ट, तो बट यहाँ भी मेरे को ऐसे दो एंजल से दोस्त मिल गए जो मेरे को पूरा गांव घुमा रहे हैं, और कुछ ऐसा वो नहीं है, बस दोस्ती है, और हर जगह मेरे को ऐसा कोई ना कोई एक एंजल फिगर मिल जा रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए। दोस्त अब बहुत किस्मत वाला है, हम हमेशा खींच जाता हूँ लेकिन आज तो नहीं गया, इतना अभी कॉन्शियस हो गए। भाई भाई भैया आओ इधर आओ, भैया बहुत बढ़िया अभी हिंदी में मेरे से बात कर रहे थे, बहुत सही, तो अभी ये बोल रहे थे कि ऐसे ही रैंडम खड़े थे, कहते तुम बहुत लकी हो क्योंकि आज मैं खेत नहीं गया, वैसे रोज खेत जाना होता है मगर आज नहीं गया, और आज फिर ये मेरे से मिले और हम दोनों मिले, फिर ये मेरे को देखो कहाँ लेके आए इतनी बढ़िया पॉइंट पे, तो सच में मेरे को भी लग रहा है मैं लकी हूँ। पर खैर उसके बाद वहां से हम वापस आते हैं, अगेन चाय वाय पीते हैं, जहाँ से शुरुआत हुई थी उन्हीं की दुकान में सुबह जब मैं घुसा था एज अ स्ट्रेंजर, वहीं पे बैठ के मैं पले भाई के साथ चाय पी रहा हूँ, तो ऐसा एक फुलफिलमेंट वाली फील, क्या ओ सर्कल वाओ, कहाँ से शुरू किया था स्ट्रेंजर्स और पूरे दिन गांव में घूम घूम के मस्त दोस्ती हो गई, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि दोस्ती हो गई, लेजिट अपनी दोस्ती बात सही हो गई, और उसके बाद फिर हम वहीं बैठते हैं, उसके बाद मैं उन्हें कहता हूँ कि ठीक है अब तुम बैठो, तुम अपनी दुकान चला लो भाई थोड़ी देर, और मैं जाता हूँ अंक के घर, किंग के घर, और जाता हूँ मैं किंग का घर वो देख के आता हूँ, एंड फाइनली जब मैं उनके किचन के अंदर जाता हूँ, वही जगह जो मैं सुन के देखने के लिए यहाँ पे आया था वो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, और एक्चुअल में बॉर्डर उनके बीच से पास होता है भाई, बहुत ही क्रेजी। अब अंक से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो इस समय गांव में नहीं थे, तो अगर होती तो उनसे भी बात करते, वो थोड़ा सा बता सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, ये जो किचन था वो मैंने देखा और मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक बॉर्डर लाइन के म्यांमार ये, और ये बीच में मस्त कुकिंग कर रहे हैं, तो ये था मेरा इस गांव के अंदर घूमने का एक्सपीरियंस। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि गांव के टाइटल के अंदर और थंबनेल के अंदर मैंने तो फोटो लगाई है, तो मैं तुम्हें वो क्लिकबेट दे रहा था? नहीं दोस्तों, आओ अब चलते हैं वो हेड हंटिंग वाले जो अंकल हैं, अंकल मैं बोल रहा हूँ अंकल, पर खैर वो जो पर्सन है हेड हंटिंग वाले, उनको ढूंढेंगे, मेरे को नहीं पता है कि वो कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, चलते हैं उनको ढूंढेंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे।
आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं फाइनली हेड हंटिंग देखने के लिए। और फिर विलेज में घूमता घुमाता पूछता पूछाता अभी मैं बैठा हूं उनके घर के बाहर। यहाँ पर इन भाई की ट्रांसलेशन की वजह से मैं इनसे थोड़ी बातचीत कर पाता हूँ, जहां पर ये मेरे को बताते हैं कि इन्होंने 10 लोगों के सर धर से अलग करे थे। उसके बाद मैं वहां से निकल जाता हूँ। पर चलो, एक बहुत अच्छी बात है कि अब हेड हंटिंग की प्रैक्टिस इस विलेज में नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था लौंगवा गांव के अंदर मेरा एक्सपीरियंस। ये था एक छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट, कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा है। भाई मैं बहुत मतलब मजे आ रहे हैं, सच बता रहा हूँ। और एक फुल सर्कल हो जाता है, कोई एंजल फिगर मेरे को मिल रहा है, मेरी मदद हो जा रही है, वो घुमा दे रहे हैं। बहुत फुलफिलिंग लगता है सच में। मैं अभी उस दिन मैं अभी जब गांव के अंदर मैं हेड हंटिंग वाले अंकल से मिल के आ रहा था ना, तो सनसेट के सामने मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे को नहीं पता कि लाइफ मेरे साथ इतना ज़्यादा काइंडली क्यों बिहेव कर रही है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता सच में। कभी कभी तुम्हें लगता है कि हाँ चलो यार, थोड़ा सा होता है तो तुम सोचते हो चलो ठीक है, पर इतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड में मैं भाई थैंक यू बोलना चाहूँगा किसको, तुमको और जो सुप्रीम पावर है, भगवान है, जो भी है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, जब तुम सोलो आते हो ना, तो एक सर्टन डर हमेशा बना रहता है, हमेशा एक डर दिमाग में चल रहा होता है, हमेशा तुम्हें सामान का ध्यान रखना है, चीज़ें करनी है। बट टू बी सरप्राइजिंगली मतलब हो जा रहा है भाई, सब हो जा रहा है और अपने आप हो जा रहा है बहुत स्मूथली। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक नदी बहती है ना, एक फ्लो होता है ऑर्गेनिक, मैं बस उस फ्लो में बह चला जा रहा हूँ सच में। पर खैर, वीडियो खत्म करते हैं, एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। व्लॉग लेगा आखिरी बारी। तो दोस्तों, ये विलेज इतना था कमाल का क्यों, क्योंकि अभी मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ एक्चुअली ये सॉर्ट ऑफ बॉर्डर लाइन है। ये सारी दुकानें इंडिया और ये सारी दुकानें बर्मा, एंड मेरे पीछे यहाँ से बर्मा से आधे जाता है। सही में बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस है ये।